हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग चित्रांश में आप सभी का स्वागत है। मैं लॉकडाउन के पहले गया था मथुरा, जो कि वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर के बारे में आपको कुछ फोटो और वीडियो के द्वारा दर्शन कराने वाला हूँ। आप नहीं जानते होंगे तो इस प्रेम मंदिर का मैं बता दूं, जो कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो आपको साथ ही मैं आपको इसका इतिहास बताने वाला हूं, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलो लेके चलते हैं आपको, राधे राधे। हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जो भी आप देख रहे हो, मैं सबसे पहले सबको बोलना चाहूँगा, सब मिलकर बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले ये बता दूँ दोस्तों, यह मंदिर प्रेम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन के अंदर यह स्थित है, और इस प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा कराया गया है, जो कि जगत गुरु जिनका जन्म आपको मैं बता दूं, जो कि संस्कृत जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी का जन्म 22 अक्टूबर 1922 को हुआ है, जो कि इनका निधन 15 नवंबर 2013 को हुआ। यह 91 वर्ष के हो चुके थे। यह एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक प्रवचन करता थे। इलाहाबाद के निकट मनगढ़ नामक ग्राम जिला प्रतापगढ़ में जन्मे कृपालु जी महाराज जी का पूरा नाम राम कृपालु त्रिपाठी था। तो चलो अब आपको लेके चलते हैं। सब मिलकर बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप आ रहे हैं मथुरा वृंदावन प्रेम मंदिर देखने, तो होली के समय आइए और यहाँ 1 हफ्ता रुकिए और होली खेल के जाइए। और दोस्तों, साथ ही आप प्रेम मंदिर को रात को ज़रूर देखिएगा, जो रात का नज़ारा होता है आपको दिन में देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही प्रेम मंदिर 54 एकड़ में बना हुआ है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट है। इसमें फवारे राधा कृष्ण की अनेक झांकियां मिलेगी, जिसमें श्री कृष्ण गोवर्धन लीला, श्री कृष्ण कालिया नाग दमन लीला, श्री कृष्ण झूलन लीला झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। साथ ही दोस्तों, सभी वर्ण जाति देश के लोगों के लिए मंदिर की सभी दिशाओं के गेट खुले होते हैं, तथा पूरे मंदिर के बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की प्रतिमा शिल्पांकित की गई है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की अनेक झांकियां अंकित की गई है, जिसमें आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अंदर जाने को नहीं मिला फ़ोन लेके, तो मैं आपको इसके द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही दोस्तों, मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं, जो राधा कृष्ण की लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की प्रतिमा मूर्तियाँ अंकित हैं, जो सजीव जाने पड़ती हैं, जो कि जीवित लगती हैं। अब दोस्तों, आपको मैं वीडियो के द्वारा आपको कुछ देखना होगा, आप ये देखिए राधे राधे। Gracias.
राधे राधे। मंदिर खुलने का समय 5:30 बजे खुलता है और प्रेम मंदिर में सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच आरती और परिक्रमा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के भोग का समय 6:30 बजे है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक द्वार दर्शन के लिए खुले रहते हैं और दोपहर 12 बजे यह मंदिर बंद हो जाता है। और इसी बीच आपके शाम का समय 4:30 बजे से मंदिर फिर खुलता है। दर्शन का समय 4:30 से 5:30 के बीच होता है और भगवान श्री कृष्ण के शाम के समय का भोग 5:30 बजे है। 6 बजे से 8:00 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। आरती के ठीक बाद 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ अनेक पुष्प के दर्शन भी कर सकते हैं जो आपके मन को मोह ले।